एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ एंड इट फील्स सो गुड एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ एंड आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, अभी ना मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ एंड उसके बाद मैंने फटाफट से चेंज कर लिया है एंड ऑफिस जब मैं गई थी तो मैंने लिटिल सा मेकअप, इस तरीके का मेकअप मैंने किया हुआ था, ठीक है। अब अगर हम कहीं गए हैं ऑफिस या कहीं भी और हमने थोड़ा बहुत कुछ मेकअप किया हुआ है, लाइक टचअप किया हुआ है, बट हम चाहते हैं कि अब हमें फटाफट से पार्टी में जाना है, अब भाई मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको लाइक वॉश करूँ, उतारूँ एंड देन अगेन जो है दोबारा से मेकअप करूँ, नो। अब मैं इसी को किस तरीके से एनहांस कर सकती हूँ, सो चलिए सीखते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस। तो चलिए तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी ज़्यादा चिटचाट वाली होने वाली है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से चिटचाट कर रही हूँ एंड मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हो, देखो मेरी लाइक लिटिल मैंने मेकअप किया हुआ है, लाइक मस्कारा लगाया हुआ है, मैंने हल्का सन ड्राई किया हुआ है एंड लाइक मैंने फेस पे भी लाइक फाउंडेशन लिटिल अप्लाई किया हुआ है, ब्लशर भी किया हुआ है, बट अभी तक जो ब्लशर है वो सारा हट चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले हम करेंगे वेट। अच्छा, पता है क्या, आप दो तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आज मैं एक तरीका बताने वाली हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा तरीका बताऊँगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कॉम्पैक्ट के साथ। अगर आपने लाइक मेकअप किया है तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना दोबारा से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कॉम्पैक्ट लूँगी अपने ही स्किन टोन का और उसको इस तरीके से लेने के बाद एंड अप्लाई करूँगी लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। बिकॉज मुझे कहीं पार्टी में जाना है ना, तो और ज़्यादा अच्छा दिखना है ना, सो आई एम गोइंग टू लाइक अप्लाई इट लाइक दिस। तो मुझे इसी मेकअप को ग्लैमरस दिखाना है, ठीक है, और ग्लैमरस कैसे दिखा सकते हैं वो अभी आपको पता लग जाएगा। लिटिल मैं अपनी आईज़ पे भी अप्लाई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आईज़ पे मेकअप हुआ हुआ है, लाइक अराउंड माय नेक। इस तरीके से आप कॉम्पैक्ट लेंगे एंड अप्लाई करेंगे, ओके, डन, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन कर ली है यू गाइस कैन सी। चलिए उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लशर, दिस इज़ माय ब्यूटीफुल पैलेट, ये रेवोल्यूशन की पैलेट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी टूट चुकी है, देख सकते हैं आप, इसकी बुरी हालत हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। सो हम ब्लशर लेंगे, मैं सारे ब्लशर को मिक्स कर लूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे फटाफट रेडी होना है। सो यस, इस तरीके से अप्लाई करेंगे लाइक अपवर्ड मोशन में एंड सर्कुलर लाइक दिस, ओके। नोज पे तो लगाना मेरा फेवरेट पार्ट है, तो नोज पे तो बनता ही है, राइट। जिसको नहीं पसंद है वो ना लगाए, मुझे पसंद है नोज पे अप्लाई करना, तो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अगर आपका फेस थोड़ा सा चबी है ना, तो प्लीज़ यहाँ मत अप्लाई कीजिएगा ब्लशर को, ठीक है, यहीं रखिएगा, ओके, यस। अच्छा, कॉन्टोवर में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि फेवरेट पार्ट है, और नाइट पार्टी में हाइलाइटर का होना तो बहुत ज़रूरी है। गाइस कैन सी, ओके, इट्स डन। फाइन, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज आई मेकअप, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप में। आई मेकअप तो सभी का फेवरेट पार्ट होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं ये पैलेट ले रही हूँ, ठीक है, रेवोल्यूशन की ही पैलेट है, और उसमें से आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्राउन शेड, दिस वन एंड लिटिल ग्रे शेड,
मिक्स करेंगे इसको एंड देन मैं आउटर कॉर्नर पे इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ लाइक दिस. ओके लाइक दिस फटाफट फटाफट बिकॉज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हमें जाना है पार्टी में. तो ये जो मेकअप होने वाला ना ये 10 मिनट्स मेकअप मैं रखने वाली हूँ और 10 मिनट में अगर आप ग्लैमरस मेकअप कर लेते हैं तो आप बड़े ही खूबसूरत दिखेंगे. टडा यस इट्स डन. ठीक है जी इसको हल्का हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे लाइक दिस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी लाइन. मुझे लाइंस बिल्कुल पसंद नहीं है मेकअप में. तो मेकअप जो होना चाहिए वो थोड़ा सा ब्लेंडेड होना चाहिए राइट. और अगर आप कंफर्टेबल हैं विद द फिंगर्स देन यू कैन यूज योर फिंगर्स एज वेल. ओके इट्स डन. ओके अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है आई मेकअप और मुझे जल्दी करना है. ओके उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पैलेट. दिस इज़ अ ग्लिटर पैलेट. और अगर हम कहीं जा रहे हैं ग्लैमरस लुक हमें देनी है तो ग्लिटर ना हो उस लुक में ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ओके ग्लिटर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. कौन सा ग्लिटर शेड यूज़ करूँ इतने सुंदर सुंदर शेड्स हैं. ओके आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पिंकी पिंक और आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस. ओह माय गॉड इसने तो मेरे मेकअप पे चार चांद लगा दिए हैं. लग ही गए ना चार चांद. ओह वाओ ओह माय गॉड मजा आ गया मजा. ग्लिटर तो मुझे बहुत पसंद है. आप लोगों को ग्लिटर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे किस किस को ग्लिटर बड़ी पसंद है. मेरे अलावा कोई और भी है शायद ग्लिटर लवर. ओके देन सी दिस इज द क्लोजअप है ना कमाल. अच्छा अब जो एक्स्ट्रा ग्लिटर लग गई है ना मेरे हाथों में उसको थोड़ा सा पोंछ लेते हैं. ठीक है उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं अपने हाथों को सो दैट ग्लिटर इधर उधर ना लग जाए है ना. चलिए जी मैं यूज़ करी मस्कारा. दिस इज अमेजिंग मस्कारा. ये है कॉलोसल वाटर प्रूफ मस्कारा मेबेलिन एंड जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बट उसी के ऊपर मैं कोट अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपका मन कर रहा है तो आप आईलैशेस भी अप्लाई कर सकते हो. ओह माय गॉड 7 मिनट्स एंड मुझे वीडियो 10 मिनट में ख़त्म करनी है सो क्विक इट्स डन. या अच्छा जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये छोटा सा मस्कारा गलती से जाके लग गया है. वो ठीक है कोई बात नहीं इसको हम हटाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हटा सकते हैं. अब हम जो है लिपस्टिक शेड की बारी आ गई है सो लेट्स सी वेयर इज माय लिपस्टिक शेड. मुझे मिल ही नहीं रहा है मैं लेकर आई थी बाहर से बट राइट नाउ आई ओनली हैव दिस रेड लिपस्टिक. तो चलिए लेट्स डू एंड देखते हैं ये किस तरीके से लग रही है. लगाते हैं इसको. ओह माय गॉड कोई बात नहीं. सो यू गाइस कैन सी हाउ इट लुक्स नॉट बैड बट इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है. दिस इज़ द लिपस्टिक शेड बट ये मेकअप के साथ नहीं जा रही है बट इट्स सो ब्यूटीफुल. डेंजरस नाम है. डेंजरस 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 बहुत मस्ती में हूँ आज में. अच्छा जी इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई लाइक ग्लॉस थोड़ा सा. वैसे मैं ग्लॉस अप्लाई नहीं करती बिकॉज अगर आपकी आईज में ऑलरेडी इतना ग्लिटर ग्लिटरी है तो हम ग्लॉस अप्लाई नहीं करेंगे बट ठीक है इट्स ओके. मेरे पास अभी जो सामान है मैं उससे क्रिएट कर रही हूँ ये. अच्छा पता है क्या क्योंकि मुझे लिपस्टिक शेड मेकअप के साथ नहीं जच रही है इस आई लुक के साथ सो वॉट आई डू इज मैं क्या करने वाली हूँ ये लेने वाली हूँ आई शेड. इसमें से जो भी शेड मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है उसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिप्स पे लाइक दिस. ओके देन दोबारा से लाइक
इसमें आप हाथ लगाने से पहले ना एक बार अपने फिंगर को क्लीन कर लें, ठीक है, सो दैट कि आपकी शीट्स खराब ना हो। डन। सो गाइस नाउ द मेकअप इज कंप्लीट एंड दिस इज द होल मेकअप जो कि मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ज्वेलरी एंड सारी चीजें करते हैं, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लुक। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक एंड आई होप कि आप सभी को ये लुक बहुत पसंद आई है। मुझे बहुत पसंद आई है, इवन ये ज्वेलरी बहुत पसंद आई है। इतनी ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है और ये मैंने कहाँ से परचेज़ करी है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी यहाँ पे स्लैश कर दूँगी। प्लस इतना ब्यूटीफुल देख रहे हो, अमेजिंग। सो फिर मिलेंगे इस तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।